दोस्तों ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसके ऊपर हम वेरियस बीमारियों के बारे में बात करते हैं, स्पेशली डायबिटीज के बारे में। आज डायबिटिक मरीजों के लिए या जिनके रिलेशन डायबिटीज हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ या एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि वो क्या दवा लें। यानी कि जिस तरीके से शेयर्स में कहते हैं ना, शेयर के बारे में राय देने वाले कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर ज़रूर रखें जिससे आपको फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कौन सी दवा लें। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमें डायबिटीज़ के बारे में, इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, इसके कारणों के बारे में और इसके इलाज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमारा फोकस एक ही होता था कि हम शुगर को कंट्रोल रखें, यानी कि HbA1c को 6 ग्राम परसेंट से कम रखें। लेकिन अब जो हमारी नॉलेज बढ़ रही है उससे हमें पता लग रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से, HbA1c को कंट्रोल करने से न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा रखती हैं, साथ में वो टारगेट ऑर्गन जैसे हमारी आँखें हैं, गुर्दे हैं, हार्ट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं। और ऐसा गया है कि कुछ दवाई ऐसी हैं जो कि डायबिटीज़ की पसंद तो थी ही, फिजिशियन की पसंद तो थी ही, कार्डियोलॉजिस्ट की वो बहुत ज़्यादा पसंद बन गई हैं कि वो बिना डायबिटीज़ के हार्ट फेलियर में वो देना शुरू कर चुके हैं। इसके लिए आप सबका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका एम केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना नहीं है, अपने गुर्दों को और अपने आँखों को और अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है एक ऐसी दवा से जो न केवल शुगर को कंट्रोल करें बल्कि इन ऑर्गन्स को भी ठीक तरीके से रख पाए। एक बात तो है कि जो दवाइयाँ पुरानी हैं उनमें, उनको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर न्यूट्रन, यानी कि DPP-4 इनहिबिटर्स, वो शुगर तो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं लेकिन ऐसी कोई खास स्टडीज नहीं है जो दिखाएं कि वो हार्ट अटैक भी कम करते हैं। एक ही दवा थी पहले मेटफॉर्मिन जो दिखाती थी कि वो फ़ायदा करती है, लेकिन अब दो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं। एक तो है SGLT2 इनहिबिटर्स, ये जब से मार्केट में आए हैं, शुरू में हम डॉक्टर ने इनको थोड़ा सा डरते हुए दिया कि ये नुकसान ना करें, लेकिन जितने भी ट्रायल इनके जितने भी ग्रुप पर हुए हैं, जैसे कैनाग्लिफ्लोजिन है, जार्डियस है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, उन सब ने दिखाया है, जार्डियस वाला एम्पाग्लिफ्लोजिन है, इन सब ने दिखाया है कि न केवल ये शुगर अच्छा कंट्रोल करते हैं, ये हमारी किडनीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट अटैक भी कम करते हैं, हार्ट अगर फेलियर में जा रहा हो तो उसको भी फायदा करते हैं। तो अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है और आप डायबिटिक हैं और अगर आपके किडनी फंक्शन ठीक हैं, तो आप सबसे पहले मेटफॉर्मिन के साथ SGLT2 इनहिबिटर्स को यूज़ करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बारे में आप अपने किडनी के डॉक्टर से, अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। और दूसरा ग्रुप है GLP-1 एगोनिस्ट, ये दवाइयाँ भी हार्ट अटैक को रोकती हैं। दोनों में फ़र्क यह है कि GLP-1 एगोनिस्ट जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं और बहुत महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि जब से इनका ट्रेड जो वो हटा है, जो ये ट्रेड नेम के ऊपर होती थी, तब से जब ये जेनरिक इंडिया में अवेलेबल हुई हैं तब से ये बहुत अच्छी अफोर्डेबल हो गई हैं। एम्पाग्लिफ्लोजिन जो कि कभी 40-50 रुपए की आती थी, अब इसी के सिस्टर ड्रग डेपाग्लिफ्लोजिन जो है 14-10 रुपए तक की मिलनी शुरू हो गई है। तो ये दवा लेने से न केवल आपकी किडनी ठीक रहती है, आपका हार्ट ठीक रहता है, आपकी ब्लड शुगर तो अच्छी कंट्रोल होते ही है। तो ये मैंने बात आपको बतानी थी। SGLT2 इनहिबिटर्स काम कैसे करते हैं, ये एक स्पेशल तरीके से काम करते हैं कि हमारी किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, पहले वो सारा कुछ निकाल देती है और बाद में ट्यूब्यूल से अच्छी चीज़ें वापस एब्जॉर्ब करती है। साइंटिस्ट ने ईजाद किया है कि जो शुगर यूरिन में निकल रही होती है उसको वापस ये नहीं ब्लड में जाने दें, जिससे कि एक्स्ट्रा शुगर पेशाब में निकल जाती है। ये कैसे इतना अच्छा काम करते हैं इसके बारे में बहुत थ्योरीज चल रही हैं। ये यूरिक एसिड भी कम करते हैं। एक जो बात बेसिक मानने वाली है कि ये ग्लूकागॉन लेवल बढ़ाते हैं, और ग्लूकागॉन जो है ये रीनो प्रोटेक्टिव है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो मच सो कि ग्लूकागॉन सब कुटेनियसली हम इस्तेमाल किया करते थे हार्ट फेलियर में 1970s में, जब बाकी इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इसलिए SGLT2 इनहिबिटर्स देने से हमारे ग्लूकागॉन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में ही एक्सक्रीट हो जाता है,
हाँ ये बात जरूर है कि ये दवा देने में आपको ये देखना पड़ता है कि पेशाब में इन्फेक्शन ना आ जाए, स्पेशली लेडीज में, क्योंकि जो लोग ये लेते हैं दवा, जो मरीज लेते हैं, अगर वो अपनी हाइजीन ठीक नहीं रखते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उनको यूरिन में इन्फेक्शन, फंगस और बैक्टीरियल होने का चांस बाकी लोगों से 3-4% बढ़ जाता है। और दूसरा ये साइड इफेक्ट कर सकते हैं, अगर पतला मरीज होता है तो उसमें ब्लड शुगर नॉर्मल होते हुए भी कीटोसिस ला सकते हैं। इसलिए आप केवल अपने डॉक्टर से इलाज लेंगे, पर उनसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये दवाइयाँ नहीं ले रहे और आपको इंडिकेटेड है तो आप इसके ऊपर स्विच ओवर कर जाए। तो मेरा आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को पसंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।